स्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए आओगे तो आपका मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकता है ठीक है तो विदाउट नॉलेज विदाउट सेटअप कभी भी ट्रेडिंग मत करना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो आज डेट है इलेवेंथ ऑफ दिसंबर मार्केट जहां पे खत्म हुआ था सेम जगह पे ओपन हो रहा है सीपीआर अपना अप ट्रेंड में है लेकिन तीनों सीपीआर में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है ठीक है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट साइड में जाएगा लेकिन आ, अभी देखते है एक दो कैंडल देखते हैं फर्स्ट कैंडल तो अभी 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 चालू हुआ है नीचे से तो बाइंग आया लेकिन उसको थोड़ा फॉलो थ्रू भी मिलना चाहिए अगर फॉलो थ्रू मिलना चालू हुआ तो मार्केट थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है अगर थोड़ा भी ऊपर गया ना तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्वेंटी वन थाउजेंड का साइकोलॉजिकल लेवल है आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है Uh, तो वेट एंड वॉच का सीन है कुछ फिक्स पैन करके मैं अभी यहाँ तक आया नहीं क्योंकि अभी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में मार्केट फंसा हुआ है ऑल टाइम हाई के आसपास भी है राउंड फिगर नंबर भी है तो थोड़ा देख के ट्रेडिंग करना पड़ेगा ठीक है तो शॉर्टली मैं फर्स्ट एड के आसपास आपको बताता हूँ कि कहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ कहाँ पे नहीं तब तक आप चैनल में बने रहो वीडियो में बने रहो ठीक है मैं बताता हूँ ओके गाइज तो टाइमिंग हुआ है ऑलमोस्ट 1:15 और मैंने बहुत सारे ट्रेड्स के हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आ, तो ये ट्रेड करने के रीजन में सबसे पहले आपको बताता हूँ आप देख सकते हो सबसे पहले ये सब अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गायब कर देता हूँ कोई भी वर्क नहीं हुआ हु? आ, अभी देखो हुआ क्या सबसे पहले आई गेस मैंने फर्स्ट क्लिप में बोला था कि आज सी भी दूर दूर है तो ये तीनों लाइन्स इसे हम जो सी बोलते हैं तीनों दूर दूर, दूर थे इसका मीनिंग होता है मार्केट साइड जाएगा और यहाँ पे एंट्री कहाँ कहाँ पे आप लोग कर सकते हो प्रीवियस डे हाई के ऊपर और आर के ऊपर मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है आपको थोड़ा क्या बोलते हैं इसे ऑरेंज कलर ग्रीन कलर ये प्रीवियस डे हाई है पिछले दिन का हाई ऊपर है आर इसके ऊपर चला जाता मार्केट तो मैं बाय करता कैंडल टू कैंडल अगर हम बात करेंगे मार्केट देखो यहां से यहां तक आया ऑलमोस्ट कितना रुपए का मार्केट में मूवमेंट हुआ था ऑलमोस्ट वन जीरो एट नहीं उससे भी ज्यादा हुआ है एक वन ट्वेंटी रुपीज का मूवमेंट हुआ था ठीक है यहां से यहां तक प्लस फर्स्ट दो कैंडल क्या हो गया फिर से भी आ, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स मतलब अगर मैं लास्ट स्विंग पकड़ू और ये रिसेंट स्विंग पकड़ू तो निफ्टी ऑलमोस्ट वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट ऊपर गया था तो आपको ये पता है मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता डायरेक्टली हमेशा नीचे भी नहीं जाता ठीक है इसीलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड कैंडल में बाय करना अवॉइड किया पिछले दिन के हाई के ऊपर भी मार्केट गया लेकिन मुझे वहां पे कन्वीक्शन नहीं मिल रहा था बाद में मार्केट फिर से जोन में चला गया ऊपर भी नहीं जा रहा था नीचे भी नहीं जा रहा था तो मैंने क्या किया जो मॉर्निंग का हाई था वहां पे एक लेवल ड्रॉ करके रख दिया ऐसा वाला ठीक है तो थोड़ी देर के बाद मार्केट फिर से हाई ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये हो गया कॉमन स्ट्रेटेजी आजकल सब लोगों का यही होता है इसके ऊपर गया बाय करता हूँ इसके नीचे गया सेल करता हूँ पिछले दिन के हाई का ब्रेकआउट मिला ट्रायंगल बिंगल बहुत जो कुछ होता है मतलब ये रेगुलर कंसेप्ट मुझे भरोसा नहीं है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे अवॉइड किया बाइंग करना मैंने थोड़ा मतलब प्लान किया कि वेट करता हूं ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया अच्छी बात है लेकिन उसे बाद में फॉलो थ्रू भी मिलना चाहिए ओके तो फॉलो थ्रू मिलना बंद हुआ यहाँ पे बंद हुआ यहाँ पे

तीन से चार घंटा हो गया अभी सेम ही जोन में है अगर हम दिन का रेंज कैलकुलेट करेंगे थोड़ा बॉडी टू बॉडी कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी पॉइंट्स के रेंज में मार्केट है अभी दिखने में दिखता है इजीली कि यहां से यहां तक गया स्कैल्पिंग क्यों नहीं किया ये नहीं किया, क्या स्नाइपर क्यों नहीं चल आया लेकिन जब मार्केट ही बोरिंग होता है ना तो ऐसे ट्रेड्स थोड़े मिस हो जाते हैं अभी भी यहाँ पे एक हैमर है देखा जाए तो ये हैमर भी ट्रेड करना चाहिए क्योंकि सीपीआर पे ट्रेड कर रहा है लेकिन अभी बस हुआ अभी इतना मुझे मतलब आपको पता है मेरा दस ग्यारह बजे ट्रेड खत्म होता है अभी एक बजे तक मैं इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि ये वीडियो बता के मुझे एक्सप्लेन करना था कि मैंने आज ट्रेडिंग अवॉइड क्यों किया तो ट्रेडिंग अवॉइड करने का यही एक रीजन था सीपीआर बहुत दूर दूर था मार्केट पिछले दिन का हा वन की किसी के भी ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है बैक टू बैक ओके आ, और आसान भाषा में अगर बताना है एक सेकंड फिर से दिखाता हूँ ये ऑर्डर बुक है आज का ठीक है कोई भी आज मैंने पोजीशन नहीं लिया है कोई भी एंट्री नहीं कोई भी एग्जिट नहीं कुछ भी ओवर ट्रेडिंग नहीं ठीक है ये है अपना एनएससी का ऑप्शन चेन आपको ये इसका बेसिक बेसिक्स अभी समझाते नहीं बैठूंगा लेकिन इतना ही बताता हूँ ये ऑप्शन चेन के सबसे नीचे अगर जाओगे इसे थोड़ा रिप्लेस करते रुक जाओ ओके okay, सबसे नीचे अगर चले जाओगे तो लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे ओआई दिख रहा है ये कितना है ट्वेंटी वन लैक है ओके okay, राइट साइड में देखो एटीन लैक ,00 है इसका मतलब क्या है ट्वेंटी वन और एटीन इतना मेजर डिफरेंस नहीं है राइट मतलब मार्केट में कॉल का ओआई भी बढ़ रहा है और पुट का ओआई भी बढ़ रहा है इसलिए मार्केट ऊपर भी ढंग से नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं आ रहा है ठीक है प्लस ट्वेंटी पीरियड भी इतना भी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे नहीं दे रहा है इसलिए आज का दिन पर्सनली मेरा सेटअप यहाँ पे आज काम नहीं कर रहा है मुझे एंट्री एग्जिट नहीं दे रहा है अगर किसी को गलती से प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो अच्छी बात है लेकिन मेरा जो कुछ भी सेटअप है स्नाइपर सेटअप प्योर सेटअप जो कुछ भी आपको बोलना है उसके अकॉर्डिंग मुझे कहाँ पे भी बाय कहाँ पे भी सेल कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा हूँ मैं अभी इसको लॉग आउट कर देता हूँ ठीक है डन फॉर द डे रहेगा अभी मैं कल ट्रेडिंग करके कल आपके साथ व्लॉग शेयर करता हूँ ठीक है और प्लीज आप लोग कमेंट में बताओ जिस जिस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करता उस दिन आपको ये सेम व्लॉग चाहिए कि नहीं आप लोग थोड़ा कमेंट में बताओ मतलब आज देखो जैसे मैंने ट्रेड नहीं किया है तो ट्रेड क्यों नहीं किया इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया तो आपको रेगुलरली ऐसे वीडियो चाहिए जब जब मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो प्लीज कमेंट में एक बार बताओ कि यस नो कुछ तो बताओ ठीक है तो हम कंटिन्यू करेंगे तो अभी के लिए इतना ही थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया तो लाइक करो सब्सक्राइब करो जो कुछ होता है सब करो ठीक है और कमेंट में बताना मत भूलना कि ऐसे वीडियो आपको चाहिए कि नहीं नो ट्रेड वाले ठीक है प्राइस एक्शन प्लस ओवा डेटा फ्लैट है ठीक है आसान भाषा में इतना ही बता रहा था ओके चलो बाय